चाय के दा रितु किचन में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लाई हूँ जो मैं बना के आपको दिखाऊंगी, और मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आप गैस करते जाइए कि क्या बनाऊंगी आज मैं, और कमेंट करके बताइएगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बनाने से पहले एक बार आपको सभी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जिससे कि आपको गैस करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैं ये आटा ले रही हूँ, ये गूंथ के मैं पहले रखी हूँ फ्रेंड्स। इसमें हल्का सा नमक मैं डाल के गूंथी हूँ। अब मैं थोड़ी सी आटा इसमें फैला दूंगी स्लैब पर, और ये एक रोटी मैं बेलूंगी पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रोटी की तरह बेल ली हूँ। थोड़ी सी मैं मोटी रखी हूँ इस तरीके से। अब मैं इसे सेक लूँगी। अब मैं फ्राई पैन ली हूँ फ्रेंड्स और गैस ऑन कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूल रहा है। अब इसे मैं पलट दूंगी थोड़ी। फ्रेंड्स अब मैं, ये रोटी हो गई है। अब मैं इसे साइड से काटूंगी कैंची की सहायता से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉकेट टाइप का मैं बने तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी बटर डालूंगी फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती की चटनी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी। इमली की है चटनी फ्रेंड्स। अब मैं इसमें कुकुम्बर डालूंगी। अब मैं प्याज का डालूंगी। प्याज स्लाइस इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़ी सी टमाटो स्लाइस। फिर मैं थोड़ी सी हरी चटनी लगाऊंगी। अब मैं थोड़ी सी काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, ये छोटे छोटे कटे हुए पनीर के टुकड़े, ये चीज स्लाइस में ले रही हूँ फ्रेंड्स। अब
अब मैं इसे बटर से सेक लूँगी फ्रेंड्स। गैस ऑन कर लेती फ्रेंड्स। इसमें मैं थोड़ा बटर डाल रही हूँ। अब मैं इसे डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे तरीके से बटर में सेकूंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये हो गया है। अब मैं इसे पलट दूंगी, दूसरे साइड भी अच्छे तरीके से सेकूंगी फ्रेंड्स। इसे आराम से पलटना है फ्रेंड्स। यह देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी लग रही है और बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये मैं रोटी सैंडविच बना रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये हो गया है। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। ये बनकर तैयार है रोटी सैंडविच। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। ओके बाय। नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी।